With table of three. Let's start this session with table of three. Three का table आज हम read करेंगे, okay? When I will say, ठीक है, मैं बोलूँगी, उसके साथ साथ आप सभी बोलेंगे unmute करके, okay? Whether I can able to hear you or not, it's okay, but you have to speak with me, okay? So when I will speak, you will also speak after me. ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे आप भी साथ साथ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द टेबल. प्लीज म्यूट करेंगे अभी फिलहाल सब बच्चे अपने आप को. व्हेन आई विल से देन यू विल आल्सो से आप. ओके, यू हैव टू लर्न. अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी मैंने किसी को नहीं बोला. लिसन टू मी केयरफुली फर्स्ट. यू हैव टू लर्न एंड द राइट टेबल ऑफ थ्री इन योर नोटबुक. ये वर्क आपको नोटबुक में करना है, ओके? सो आज नोटबुक वर्क सिर्फ इतना ही है. देन आफ्टर टेबल ऑफ थ्री वी विल डिस्कस द बुक वर्क एज वेल. बुक जिसके पास अभी नहीं है वो बुक भी अपनी लेके आ जाओ, अरेंज कर लो क्विकली, क्योंकि टेबल थ्री के टेबल के बाद वी विल डू द बुक एक्सरसाइजेस. आई विल एक्सप्लेन यू द बुक एक्सरसाइजेस, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट दिस सेशन विद टेबल ऑफ थ्री. नाउ सी, दिस इज द टेबल ऑफ थ्री एंड लुक एट T and O, tens and ones is written here. Okay, these are the place values. जहाँ पे single digit number लिखा है 3, 6, 9. पहले ध्यान से देखेंगे. Listen to me. ध्यान से देखेंगे table को. ठीक है? Then उसके बाद हम read करेंगे. लिखो table के ऊपर right hand side पे T and O is written. What is it? Tens and ones. This is tens and ones. Okay?
सो थ्री का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज वंस एंड थ्री इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, तो इसीलिए वो वंस के आप हेड पे लिखा हुआ है, आपने वंस के नीचे लिखा है. थ्री के आगे कोई नंबर ही नहीं है, टेंस प्लेस में कोई नंबर ही नहीं है, तो हमने वहां जीरो लिख दिया. ओके, नेक्स्ट नंबर इज सिक्स. लुक एट दिस केयरफुली, सिक्स इज ऑल्सो वन डिजिट नंबर, सिक्स भी वन डिजिट नंबर है. सो वी हैव रिटन दिस ऑन वंस प्लेस, हमने सिक्स को भी वंस प्लेस पे लिखा है एंड टेंस प्लेस पे हमने जीरो लिख दिया बिकॉज कोई और दूसरा नंबर है ही नहीं टेंस प्लेस में, सिक्स इज अ वन डिजिट नंबर. Now look at 9. 9 is again one digit number. ये भी हमने zero, ones place पे लिखा है, right? O के नीचे लिखा है 9 भी. ये भी one digit number है. So we will write 9 on ones place again. Tens place पे फिर से हमने zero लिखा है. Okay. Now come to 12. 12 is two digit number. 1 and 2. Two digits are here. Two digits हैं 1 and 2. So, 1 and 2 को हमने जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है दैट यू राइट इन टेंस प्लेस एंड राइट साइड वाला नंबर यू राइट इन द वंस प्लेस. सो 1 हमने टेंस प्लेस पे लिखा है एंड 2 हमने वंस प्लेस पे लिखा है. यू कैन सी पास से देखो, राइट. इसी तरह से 15 में 1 टेंस प्लेस पे, 5 वंस प्लेस पे. 18 में 1 वंस प्लेस पे, 18 में 1 tens place पे, 8 ones place पे. इसी तरह से 21 हो गया, 2 1 21. 2 is on the tens place, 1 is on the ones place. Then 24, 2 is on the tens place, 4 is on the ones place. Then again 27, 2 is on the ones place, tens place and 7 is on the ones place. Ab last number hai 30. So 3 is on the tens place and 0 is on the ones place, right? Kyunki maine aapko bataya tha kisi bhi number ke baad jab 0 add hota hai to uska value badh jata hai. Kisi number se pehle agar 0 add hota hai to it has no value, uski koi value nahi hoti. Jaise aapne sabse upar dekhiye, 3 से पहले आपने 0 लिखा है, राइट. 3 के बिफोर लिखा है, सो इट हैज नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ये 3 एज इट इज 3 रहेगा. व्हेन वी विल राइट 0 आफ्टर 3 और आफ्टर एनी नंबर, सो इट बिकम्स 30. 3 से वो 30 हो जाता है, राइट. उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है. अभी धीरे धीरे यू विल गेट टू नो एवरीथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. ओके, नाउ एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ. And when I will speak one line, you have to speak after me. Unmute yourself. I have muted everyone. मैंने क्या बोला, मैं एक लाइन पढ़ूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, आगे नहीं जाना है आपको. मैं अभी 3 1 3 पढ़ा है, आप 3 2 6 पे चले गए. ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. आई विल से 3 1 3, यू विल ऑल्सो से 3 1 3, ठीक है. अदरवाइज मैं ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ा दूंगी. यू वॉन्ट दैट, नहीं ना, यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ना, सो फॉलो द रूल. 3 1 3, देन यू विल से 3 1 3. अभी नहीं, वेट आरोही, वेट. Then I will say 3 2 6. Then you will also say 3 2 6. Okay? Wait. Okay, now unmute yourself. We will do it again. 3 1 3. 3 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 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
मजा तो आया बट इट्स ओके, सबकी वॉइस मिक्स हो गई, आई कुडंट हियर एनीवन प्रॉपरली, एक दो बच्चों की क्लियर थी बस, बट इट्स ओके, वी हैड फन, थोड़ा सा मजा आया हम लोगों को एक साथ पढ़ के, है ना, अदरवाइज क्या होता है, आप पढ़ते हो मैं चुप रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ आप चुप रहते हो, इस तरह से होता है ना, सो वी हैड अ लिटिल डिफरेंट फन टुडे. अच्छा ओके, नाउ यू हैव टू डू दिस टेबल इन योर नोटबुक. ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगी, अभी दोबारा से अब कोई नहीं पढ़ेगा. ठीक है, आई विल read and you will listen. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. सभी बच्चों को इसी तरह से थोड़ा म्यूजिक वे में, लाइक थोड़ा सा रिदमिक वे में, आपको अगर आप पोएम को लर्न करोगे, सॉरी टेबल को लर्न करोगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी, एंड दैट इज माय गारंटी. अगर आप ऐसी मोनोटोनस वे में 3 1s are 3, 3 2s are 6, नहीं, आपको लर्न नहीं हो पाएगी, बहुत टाइम लगेगा लर्न करने में. ठीक है, सो मैं आपको लाइक यही सजेस्ट करूंगी, जब आप टेबल लर्न करो तो थोड़ा गाते गाते करो, ठीक है, ताकि आपको भी मजा आए एंड बहुत क्विकली आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है, एंड टेबल्स यू हैव टू बी ऑन योर टिप्स, टिप्स में होनी चाहिए टेबल्स आपको. सितंबर में 3 का टेबल, टेबल ऑफ 3, आई कैन लिसन टू एनीवन, मैथ्स क्लास में मैं किसी को भी पूछ लूंगी 3 का टेबल, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम. ठीक है, इन सितंबर, इन सितंबर मंथ, नॉट इन अगस्त, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, 10 डेज का टाइम आई एम गिविंग. टेबल आती है? हाँ, मैम मुझे आती है, मैम मुझे 7 तक टेबल आती है, मैम मुझे आती है, आई नो मैम आती है. ठीक है बेटा, मैंने सुन लिया, जिनको मुझे आती है, हाँ जिनको आती है बेटा, जिनको नहीं आती है इट्स ओके, आई विल आस्क देम एज वेल, मैं किसी को भी पूछ लूंगी, सो आई हैव टू बी लाइक फेयर विद एवरीवन ना, मुझे सबको इक्वल टाइम देना है. ओके, नाउ टेक आउट योर मैथ मैजिक, मैथ्स की बुक निकालेंगे सब अपनी, टेक आउट योर मैथ मैजिक, एंड आई थिंक माय बुक इज ऑफ ओल्ड एडिशन, जो बुक है वो ओल्ड एडिशन की है, तो आई एम गोइंग टू शो यू द पेजेस, पेज नंबर देने की जगह आई विल शो यू द पेजेस एंड देन यू हैव टू ओपन दैट पेज. यहाँ पे है टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, सी पॉट्स बने हैं, लीव्स बने हैं, विच यू हैव डन, यस 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 शरण्या, दैट पेज ओनली, ये वाला पेज, दिस पेज, हाँ बेटा, हाँ बोलिए, मेरे पास मैथ मैजिक की नहीं है बुक. बेटा मुझे पता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो मैं वर्कशीट देती हूँ ना आप उसी से काम करो, वर्कशीट में और बुक में सेम एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस उन्हीं से हो जाएगी, आप नोटबुक वर्क करोगे ना इतना ही इनफ है. मैम पेज नंबर, बेटा पेज नंबर मेरे पास जो पेज नंबर है दैट इज 79, बट आई थिंक पेजेस आर डिफरेंट, मेरे पास जो बुक है दैट इज ऑफ ओल्ड एडिशन, इसीलिए आई एम शोइंग यू दिस. हाँ, now you, which page is this? Which number? मैम कौन सा पेज नंबर? 79 पेज. 79. कौन सा 79 नंबर?
ओके पेज नंबर 79 टेक आउट पेज नंबर 79 ओके यू हैव टू पिक द ग्रुप व्हिच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन म्यूट करेंगे सब अपने आप को आपको वो वाला ग्रुप टिक करना है जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो सबसे ऊपर देखेंगे वी हैव पॉट्स पॉट्स हैं बोथ साइड्स में दोनों साइड्स के पॉट्स को काउंट करेंगे काउंट देम फोर्टीन पॉट्स लेफ्ट साइड पे हैं एंड राइट साइड पे कितने पॉट्स हैं थर्टीन राइट साइड पे 13 पॉट्स हैं सो यू हैव टू टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स ज्यादा ऑब्जेक्ट्स वाला ग्रुप कौन सा हुआ फिर 14 या 13 14 टिक दैट ग्रुप उस ग्रुप को आप टिक करेंगे ठीक है नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल लीव्स आर देयर दोनों ग्रुप्स में लीव्स बने हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में ओके सो काउंट लिसन काउंट लीव्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड काउंट लीव्स ऑन द राइट साइड दोनों साइड के लीव्स को काउंट करो एंड देन टेल मी फिर मुझे बताओ कि कौन से मोर हैं ऑब्जेक्ट्स मोर लीव्स किस में है कौन से ग्रुप में है एंड विच वन यू हैव टू टिक ओके सिक्सटीन इज ऑन द राइट साइड लेफ्ट साइड पे कितने हैं फोर्टीन सो विच हैज मोर किसके हैं फोर्टीन सिक्सटीन यस एग्जैक्टली सो टिक द ग्रुप सिक्सटीन ओके नाउ टू ग्रुप्स द अदर टू ग्रुप्स वो आप अपने आप करेंगे होमवर्क में राइट डाउन होमवर्क पेज पे लिखेंगे होमवर्क बाकी जो टू बचे हैं मैंगोज एंड बॉल्स दैट यू विल डू योरसेल्फ ठीक है होमवर्क लिखेंगे पेज पे एच डब्ल्यू लिखिए वो आप घर पे करेंगे नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे बलून नाउ सी मैंगो वाला भी करना है नहीं मैंगो एंड फुटबॉल वाला घर पे करना है आराम से बैठ के नाउ लुक एट दिस पेज हॉट एयर बलून जिसमें जिसने कर लिया है प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट ठीक है अभी देखिए आप पीछे रह जाएंगे अदरवाइज बाद में कीजिएगा हॉट एयर बलून बना है पेज नंबर 80 एलिफेंट इज देयर ऑन हॉट एयर बलून ठीक है इसमें आपको क्या करना है नंबर्स को ज्वाइन करना है 1 टू 20 नंबर्स को 1 2 3 4 5 ऐसे नाउ यू डू इट इन योर होमवर्क राइट डाउन एच डब्ल्यू डू इट इन योर होमवर्क एच डब्ल्यू लिखेंगे इट्स वेरी इजी 1 से लेकर सीरीज को आपको ज्वाइन करना है 20 तक ओके इट विल मेक अ नंबर एक नंबर बन जाएगा ये ज्वाइन इन ऑर्डर दिस वर्क होमवर्क बलून वाला भी होमवर्क है ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पेज राइट द मिसिंग नंबर पेज नंबर 81 जिसमें एक गर्ल बनी है विद अ बर्ड देखो ये वाला पेज को भी खत्म कर लिया है जिसने कर लिया है इट्स ओके जिसने नहीं किया है ओपन दैट पेज ओके सो फर्स्ट वाला देखेंगे राइट द मिसिंग नंबर में उसमें सीरीज है 10 देन ब्लैंक बॉक्स है देन 12 देन ब्लैंक बॉक्स देन अगेन ब्लैंक बॉक्स देन 15 देन उसके बाद 1 2 3 4 5 ब्लैंक बॉक्सेस और हैं सो अभी सीरीज को कंप्लीट कीजिए 10 से स्टार्ट कीजिए 10 उसके बाद लिखेंगे आप 11 देन 12 देन 13 then 14 15 is already written then 16 17 18 19 20 okay like this jaise ma'am ne likha hai if anyone wants to see they can see
सीरीज 1 to 20 सबसे ऊपर. ओके What comes between 6 and 8, 16 and 18? Who's gonna tell me? What comes between 16 and 18? Vaibhavi, unmute yourself. What comes in between 16 and 18? 16 and 18 ke beech mein kya aata hai? 17. Good. 17. Okay, now tell me what comes after 14? 14 ke baad kya aata hai? Siddharth will tell me. After 14, I'm asking. 15. Then after 15? 16. Good. Now see, in this way you have to do this page. Okay? In this way you have to do this page. Rest of the questions you will do yourself. Aap khud karenge. Write down homework on this page. Achha, let me tell you, jab ye hamari book ki exercise complete ho jayengi, uske baad main aapke saath answer keys bhi share karungi. Last mein. Okay? सो दैट आप चेक कर सकें कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है. जिसके करेक्ट नहीं होंगे वो करेक्ट कर लेंगे. नाउ मूव टू अनदर पेज विच वी हैव डन यस्टरडे. जो हमने कल किया है सर्कल द बिगर वन. पेज नंबर 82 टेक आउट. पेज नंबर 82 बेटा निकालो. सर्कल द बिगर नंबर. Now see, bigger numbers diye hain. 11 and 13 mein, which is bigger, already given. 13 is bigger, inhonne circle kiya hua hai. Hai na? And then look at the next one. Keep it here. Yaar. Okay. I will speak to you later. Okay, now look at the next number, 13 and 15. Which one is bigger? Aradhya. Yes, 15. Circle the 15. Circle 15. Now look at next number. 18 or 8. Which one is bigger? Yashasvi, tell me. Which one is bigger? 18. Am I asking you? Maine aapse pucha tha? She doesn't have book. That is why I'm asking her. Yashasvi, which is bigger? 18 or 8? 18. Good, Yashas. Very good. Okay. Avni. Yashasvi, mute yourself, please. Yes, ma'am. Avni, which one is bigger, 12 or 8? Avni? I'm asking Avni. Very good. Okay. Circle the bigger one. May listen to me. Sab bache dhyan se sune. Mute karenge apne aap ko. Circle the bigger one. May. We have done 3 examples and 1 already hua tha. So 4 we have done. Next 5 you will do yourself. Okay? Now move to circle the smaller number. Circle the smaller number. Niche wale mein aajenge aap. Second portion mein. Look here. Circle the smaller number. Yahan pe aayenge. Ye upar wala jitne bhi remaining hai, you will do yourself. They are very easy. Come to this one. The smaller number. Have you opened? Sab bachche ne khol liya? Now, circle the smaller number. Circle the smaller number. Mein, one is already done for you. Ek already hua hua hai aap logon ke liye. Now we will do the next one. Next one is, which one is smaller? 6 or 4? Adya. Answer my question. Which one is smaller? Adya, 6 or 4? 4. Okay, mute yourself. Fine. Rabhya,
Which one is smaller, 10 or 12? Rabia Sharma. 10. Okay, good. We will discuss the last one. Rudransh, which one is smaller, 11 or 9? Good. Okay. So, four examples are done for you. Rest five you will do yourself. ठीक है? इसमें भी बाकी जो five बचे हैं, वो आप खुद करेंगे. This can be done अभी after the class you can do. 10 minutes hardly it will take. ठीक है? Now move to the next. This one. Next page. Circle the biggest number. Okay. When we compare three or more than three numbers, we can go for biggest or smallest. ठीक है, next page पे देखेंगे, page number 83 में, circle the biggest number. So one is already done for you. तो three numbers दिए हैं, 13, 3 and 9. इसमें आपको बताना था, सबसे biggest number कौन सा है, which is the biggest one. तो 13 पे already circle है. Okay, now look at the second example. Which is the biggest number? 12, 15 or 20? Khushi will tell me. Which one is the biggest? Khushi, unmute yourself. Khushi, unmute yourself. Khushi Gupta, unmute yourself. 20. Khushi, no. Khushi? Is that Khushi? Yes. Which is the biggest number? 15 or 20? 20. I'm not saying 50, I'm saying 1, 5, 15. 12, 15 or 20, which is the biggest number? 20. Good. Circle 20. Okay. Mute yourself. Arshit? Arshit Tyagi? Oh, unmute yourself, Arshit. Yes, ma'am. Where is Arshit? Arshit? Yes, ma'am. Okay. I am giving you three numbers. You have to tell me the biggest number. 10, 5 or 12. Which one is the biggest? 12. किससे पूछ रहे हो आप? किसी से भी नहीं, ma'am. मैंने सुना है. Someone has told you the answer. किसी ने आपको answer बताया है? Now you will answer. I know, I've heard, मैंने सुना है. Now, look at the, I'm going to ask you the another question. Which one is the biggest, 11, 12 or 13? 13. Okay. Now mute yourself. Ansh Gupta, unmute yourself. Ansh Gupta. Yes, ma'am. Okay, tell me the smallest number. Come to the next exercise. बाकी के जो दो हैं वो आप खुद करेंगे. Biggest number में you will do yourself next two examples. Now, Ansh, circle the smallest number. Which one is the smallest? 14, 16 or 12? 12. Good. Mute yourself. Okay, next I'm going to ask. Madhav Kataria. Madhav, unmute yourself. Madhav. Madhav Kataria. Yes, ma'am. So, Madhav. Which one is the smallest number? 15,
smallest number 15, 7 or 20. Look at your book, if you have book. It's there in your book. 15, 8. 15, 7 or 20. Which one is the smallest? Then 14. बेटा I'm asking 14 तो मैंने बोला ही नहीं है ऑप्शन में. Where are you? And 15. Very bad Madhav. I think you're not concentrating. आपका concentration नहीं है क्लास में. 15. Where is your book? Show me your book. Book कहाँ है आपकी? Show me your book. Madhav, where is your book? I'm asking. Madhav, where is your book? Madhav, suno. Ma'am, ko batao ki aapko samajh nahi aaya. मैम मुझे समझ में नहीं आया. बेटा आपको स्मॉलेस्ट नंबर समझ नहीं आया? व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर? देखो देखो मैम इसकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था. देखो इतने स्मॉलेस्ट नंबर स्क्रीन पे मैंने कुछ दिखाया ही नहीं है. मैं तो बुक निकालने के लिए कहा था पेज नंबर 83. सब बच्चे कर रहे हैं वर्क एंड माधव इज नॉट डूइंग एनीथिंग. ही इज जस्ट सिटिंग. ही हैज नॉट टेकन आउट द बुक इवन आई गेस. यस मैम मैं इसके साथ नहीं थी. Okay. और जो है मुझे मालूम ही नहीं कि ये क्या कर रहा है आज इसने क्लास में. बट आई हैव आस्क्ड हिम ओरली एज वेल. मैंने ओरली भी पूछा है टेल मी द स्मॉलेस्ट नंबर. व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट 15 7 और 20. 15 7 और 20 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7. ओके नाउ ही इज एबल टू आंसर. आई हैव आस्क्ड हिम थ्राइस. ओके फाइन माधव व्हेनेवर आई आस्क यू टू ओपन द बुक यू शुड नॉट जस्ट लिसन टू मी. यू हैव टू take action as well. Take out the book immediately. Okay, you should know where your books are. It's not your mother's responsibility, it's your responsibility. Take out your book, pencil, eraser. Okay. Yes, ask your mother where my things are. Meri cheeze kahan hai? Tell me. Jab bhi ma'am mujhe koi cheez nikalne ke liye bolengi, I should know ye kahan pe hai so that I can take them out. Clear karke de rakha hai ise. आपका बैग है ना आपके पास? हाँ. नेक्स्ट टाइम माधव इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके ओके एवरीवन मार्क 7. 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. पकड़ो इसे. नाउ वी हैव 3 मोर एग्जांपल्स इन दिस. देखा हमने क्या कहा. आई एक्सपेक्ट यू. ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मुझे तो पता नहीं था आप क्या सुन रहे हो. सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल to do your work, do your homework. Half of the homework we have already done in class. Okay, rest exercise you have to do. Very easy. I hope you have done the yesterday's work. Usme bhi thoda confusion tha aap logon ko, but it's okay. Yes, anyone is saying anything? Kuch bol rahe ho beta aap? Who's saying? मैम मेरे पास ना कॉपी में मैंने सारा लिख दिया तो मेरे पास बुक नहीं है तो मैं कॉपी में लिख दी. ठीक है आप जितना आप नोटबुक में कर सकते हो इट्स ओके. नहीं हो पा रहा है इट्स ओके मत करो. नोटबुक वर्क कंप्लीट करो जो नोटबुक में करने के लिए कहा है. बुक वर्क जरूरी नहीं है कि आप नोटबुक में करोगे. ठीक है अगर आप कर सकते हो इट्स वेरी गुड और नहीं कर सकते हो दैट्स ओके. ठीक है बिकॉज जो हमने नोटबुक कराया है दैट इज ऑल्सो इनफ बट वी हैव टू कवर द बुक एज वेल. बुक तो हमें कवर करनी ही है ना. सो दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस इन द क्लास. कल जो मैंने वर्क दिया था होमवर्क दैट वॉज वेरी इजी. उसमें सिर्फ टू डिजिट नंबर्स थे 10s and 1s 10 टू 20. आपको सेम नंबर सारे बॉक्सेस में लिखना था लाइक दिस. आई शो यू. जिन बच्चों ने नहीं किया है दे कैन कंप्लीट इट टूडे. लाइक दिस You have to do this way. Okay, आपको सारे बॉक्सेस में वो नंबर लिखना है. सपोज 10 इज रिटन
So you have to write 10 in all the boxes. 11 is written, you have to write 11 in all the boxes. 12 is written, you have to write 12 in all the boxes, like this. Okay? So don't be confused, it's very easy. Same number aapko sare boxes mein likhna tha. It's just a practice of two digit number. Tens and ones. Okay? So I hope you all understood the topic. Next week we will come with the another topic in maths. Let's say bye bye for now. Enjoy your weekend. Okay? And study hard. Bye. 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 Bye.